स्वागत है आपका टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। आज हम लोग लेकर के आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास टेंथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड को रिलेट करते हो, आईसीएसई बोर्ड को रिलेट करते हो, या फिर यूपी बोर्ड को रिलेट करते हो, एनीवे किसी भी बोर्ड को आप रिलेट करते हो, हमने आपको इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें आपको हमने लाइट के बारे में बताया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इमेजेस के बारे में पढ़ाया है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इट मीन्स प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए हमें पहले दो मीडियम को समझना ज़रूरी होता है। एक हमारे पास में होता है डेंसर मीडियम और दूसरा हमारे पास में होता है रेरर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम, अब इसमें हमें ये समझना होता है कि इस मीडियम की हम बात क्यों कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इवेंट हम तब देख पा सकते हैं जब हम एक मीडियम से लाइट को दूसरे मीडियम में इंटर कराते हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कराएंगे या दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में लाने की कोशिश करेंगे, तब जो इवेंट हमारे पास में निकल कर के आएगी वही होगी आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसलिए हमें समझना है डेंसर मीडियम क्या है, रेरर मीडियम क्या है। जब हम डेंसर और रेरर मीडियम को समझ लेंगे, हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं, देखिए रेरर जो होता है वो होता है आपका विरल माध्यम और डेंसर जो होता है वो होता है आपका सघन माध्यम। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है समझिए। विरल माध्यम वो माध्यम कहलाता है, वो मीडियम है रेरर मीडियम जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट हाई होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, हाई होती है, लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसे हम रेरर मीडियम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। और डेंसर मीडियम जो होता है इसमें लाइट की स्पीड जो होती है वो बेटा कम होती है, यानी लाइट की स्पीड इसमें क्या है, लाइट की स्पीड इसमें स्लो है और इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा, हाई होगी। इतनी सी बात है डेंसर और रेरर मीडियम के बीच। अब अगर कोई भी लाइट की एक रे मान लीजिए, ये हमने मानी है ओ और ए, ये पॉइंट हमने माना है ए। ओ ए एक लाइट की रे है, ये लाइट की रे है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये आपके पास में एक बॉक्स नज़र आ रहा है, रेक्टेंगुलर एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये माना है हमने कि कांच का गुटका है, कांच का टुकड़ा है ये। तो ये मीडियम कौन सा मीडियम कहलाएगा, ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। और इसके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके बाहर ये 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 पूरा एरिया, ये आपका रेरर मीडियम कहलाएगा, मतलब एयर है। तो एयर में एयर जो है वो आपका रेरर मीडियम है और कांच जो है वो आपका डेंसर मीडियम है। इट मीन्स ये होता है जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर मीडियम बन जाता है, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो वो रेरर मीडियम बन जाता है। अब होता क्या है कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे पहुंचती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाएगी। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वह अपने पथ से डाइवर्ट हो जाती है। वह अपने पथ से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। बस इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब समझिए कि ये डाइवर्ट कैसे होती है। देखिए, ये है आपके पास में नॉर्मल, एन एन डैश मान लीजिए इसको, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ओ ए इंसिडेंट रे है। अब ये नॉर्मल है, एन एंडेस और ओ ए इंसिडेंट रे है, इनके बीच में एक कोण बनेगा जिसे हम आई कहेंगे, इंसिडेंशियल कोण कह सकते हैं इसे अपन, या इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल
और ये आपकी अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच में आर एंगल बनेगा आपके पास, ठीक है। वैसे इसको निकलना चाहिए था ऐसे, ये थी इसकी लाइन, बट ये अभिलंब की ओर झुक गई है। देखो यहाँ से ये अभिलंब की ओर झुकी नजर आ रही है, झुक गई, तो इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या अभिलंब से। मान लीजिए आप सपोज दैट ए बी, ये बी पॉइंट माने हम ए बी मान लीजिए इंसिडेंट रे है, तो बी सी कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। तो यहाँ देखो अभिलंब से दूर हट गई, मतलब ये था गिलास, ये था डेंसर माध्यम मीडियम, और ये था एयर, ये था रेरर मीडियम। अब जब डेंसर से रेरर में आई तो अभिलंब से दूर हट गई, मतलब अब इंसिडेंट एंगल जो है आपके पास में आई डैश मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये आर डैश मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जब डेंसर से रेरर में जाएगी तो इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल के रिस्पेक्ट में छोटा होगा, और जब रेरर से डेंसर में आएगी तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए आई इस सिचुएशन में जब रेरर टू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रेरर टू डेंसर, इस सिचुएशन में आई इज़ ग्रेटर देन आर होगा, बट डेंसर टू रेरर इस सिचुएशन में आई इज़ लेस देन आर होगा, ये हम समझाना चाह रहे हैं। और यही रीज़न है कि आई बड़ा है आर से रेरर टू डेंसर, सो यहाँ पर आई की वैल्यू ज़्यादा है और आर की वैल्यू कम है, और यही रीज़न है कि जो इंसिडेंट रे थी वो नॉर्मल की ओर झुक गई, और डेंसर टू रेरर में आई की वैल्यू छोटी थी, आई एंगल छोटा था विद रिस्पेक्ट टू आर, सो दैट यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे आ रही थी वो नॉर्मल से दूर हट गई। ये होती है कहानी आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे पहला नियम आपका होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये सब तीनों इंसिडेंट पॉइंट पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा ये कहता है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था उसमें आई की वैल्यू आर की वैल्यू की बराबर थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन जो आई है उसका जिया यानी साइन प्रोपोर्शनल टू होता है साइन आर के, ये सेकेंड लॉ होता है, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ये प्रोपोर्शनल टू का कोई साइन अपन अलग करेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये पूरा इवेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। अभी हम आपको बताएंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, एक्चुअली में स्नेल का नियम क्या होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर पहली बार हो, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि सब लोगों को आसानी से सारी चीज़ें मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।